लगभग 10 दिन हो गए, कोई शायद नया थ्योरी वीडियो तुमको देखने को नहीं मिला। लेकिन चिंता मत करो यार, आज हम लोग जो है इस वीडियो पे एक थ्योरी को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, वो वाला मांगा चैप्टर 956 था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उस वाले चैप्टर में जहाँ पर वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद होता है, उसके बाद ब्लैक बेल्ट किसी चीज को लेने की बात करता है, जहाँ पर अभी के टाइम पे किसी और का ध्यान नहीं है। अब वो चीज क्या हो सकता है, उस चीज को लेकर के आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं तुम सबको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर जमशेदपुर से है तो उसको पता होगा यार किस तरह से मौसम कर रखा है। बहुत ही गंदा मौसम है, तूफान आया हुआ, बारिश हो रहा है, साला लाइट का ठिकाना नहीं है, लेकिन वीडियो बना रहे हैं तो आई होप कि इस पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आए, पिछले वीडियो के जैसा ना हो। और हाँ, अगर बैकग्राउंड से बारिश का आवाज आता है या फिर बहुत ज्यादा हवा का आवाज आता है, तेज हवा का आता है, तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि समझ जाओ यार बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। ब्लैक बियर्ड, हम सबको पता है यार ये कैरेक्टर ऐसा बंदा है, ये क्या करने वाला है किसी को नहीं पता। मतलब एक तरह से समझो यार वन पीस में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है ना जिनके बारे में हम लोगों को बहुत ही कम पता है, ना के बराबर। ये लोग क्या करना चाहते हैं कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि सैंग्स, अभी सैंग्स हाल ही में कुछ चैप्टर्स पहले वहां पर वो बोला कि वन पीस को क्लेम करेगा। आज से पहले कभी भी वो वन पीस पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन अब वो वन पीस को क्लेम करने की बात कर, जिसके बाद बहुत सारे थ्योरीज बन रहे कि सैंग्स भी विलन हो सकता है। अब देखो, सैंग्स विलन निकले या ना निकले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ सैंग्स को एक्शन में देखने का अलग ही मजा है। बट जब बात आती है ना ब्लैक बियर्ड की, हम सबको पता है ये बंदा एक नंबर का कमीना है। इसने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो फिर क्या ही बोलूं। इसने डेविल फ्रूट को लेने के लिए व्हाइट बियर्ड, जो इसको अपने बेटे की तरह मानता था, उसको मार डाला। हाँ वो बात अलग है कि उसको धोखे से ही मारा, एस को पकड़वा दिया, अपने कमांडर को मारा, प्लस ये अभी के टाइम पे एक यंग को है। अब यार देखो, टाइम स्किप के बाद ये बंदा ना काफी ज्यादा अंडररेटेड रहा है पूरे वर्ल्ड से, बिकॉज इसकी बाउंटी ना यंगो में सबसे कम है। लूफी जो अभी न्यू यंगो बना है उसकी बाउंटी इससे ज्यादा है। बट हो सकता है फ्यूचर में जब ब्लैक बियर्ड जिस चीज को लेने की बात कर रहा था उसको ले ले, तो उसके बाद उसकी बाउंटी एकदम से 4 बिलियन के आसपास पहुंच जाए। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज को लेने की बात कर रहा था। अब वो क्या चीज लेना चाहता था, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। पहले बात करते हैं उन कुछ प्रेडिक्शंस की जो ज्यादातर वन पीस कम्युनिटी में लोग लगाते हैं। हो सकता है वो एंशिएंट वेपन को लेने की बात कर रहा हो, जिस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी के टाइम पे 2 एंशिएंट वेपन का हम लोग को पता है, जो की है पोसाइडन एंड प्लूटोन, जिसके बारे में जानकारी लूफी को है। और दोनों जो आइलैंड वानो कुनी और फिशमैन आइलैंड, दोनों अभी के टाइम पे लूफी के टेरिटरी में आते हैं। और अगर ब्लैक बियर्ड इनके पीछे जाएगा तो वो एक तरह से डायरेक्ट इशारा होगा कि वो लूफी से फाइट करना चाहता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होगा। और ये सोचना भी गलत है, बिकॉज अगर वो एंशिएंट वेपन के पीछे ही जाना चाहता ना भाई, फिर तो वो पहले ही चला जाता जब लिलिन के अंदर आ रहा था फिशमैन आइलैंड, लेकिन वो नहीं जाता है। और अब लूफी फिशमैन आइलैंड को भी प्रोटेक्शन दे रहा है, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ब्लैक बियर्ड एंशिएंट वेपन के पीछे में जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, बिकॉज उसको एक योंको से फाइट करना पड़ेगा। अब हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हो सकता है ओडा इसके बाद जो है ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी को जो है सेटअप करेगा, इन लोग का फाइट को सेटअप करेगा, बिकॉज हम सबको पता है वन पीस अभी अपने क्लाइमैक्स में धीरे धीरे जा रहा है, तो ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और बात भी उठता है कि ब्लैक बियर्ड को कैसे पता होगा कि यहाँ पर एंशिएंट वेपन है। अभी के टाइम पे कारिबो, जिसको पता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के अलावा कि एंशिएंट वेपन कहाँ कहाँ पे है, वो तो लूफी के शिप में है, तो वो अचानक से ब्लैक बियर्ड के पास जा करके एंशिएंट वेपन की जानकारी ऐसे दे देगा भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। प्लस ब्लैक बियर्ड पहले ही बोल चुका है, जब ओनिगासिमा वॉर स्टार्ट भी नहीं हुआ था उस वक्त वो किसी चीज को लेने की बात कर रहा था। तो हाँ, यहाँ पर एंशिएंट वेपन का मुद्दा तो मेरे हिसाब से नहीं निकल के आता। अब हम लोग आते हैं थ्योरी पे। देखो, हम सबको पता है ब्लैक बियर्ड जो है रॉकटी ज़ेबैक को फॉलो करता है। वो रॉकटी ज़ेबैक को इतना ज्यादा फॉलो करता है कि उसने अपने शिप का नाम भी सेबर ऑफ ज़ेबैक रखा है, जो कि ये साफ साफ इशारा करता है जैसे लूफी नेक्स्ट पायरेट किंग है, वैसे ही ब्लैक बियर्ड आने वाले टाइम का नेक्स्ट रॉकटी ज़ेबैक है। प्लस उसके पास दो दो खतरनाक वाले डेविल फ्रूट्स भी हैं। लेकिन ब्लैक बियर्ड किसके पीछे गया, ये उठता है सबसे बड़ा सवाल, जहां पर मेरे को लगता है ये गॉड वैली से कुछ रिलेटेड हो सकता है। अब देखो, हम सबको पता है कि गॉड वैली में सेलेस्टियल ड्रैगन इन्वॉल्व थे, प्लस वहां पर रॉक्स पायरेट ने हमला किया था या फिर कुछ ऐसा कुछ कांड हुआ था जिसको फिर रॉजर एंड गार्प ने मिलकर के हरा दिया और रॉक्स पायरेट क्रू भी वहां पर खत्म हो गया। प्लस
वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको रफा दफा कर दिया, वो आइलैंड को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया। बट ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड को इसके बारे में अच्छे से पता हो, बिकॉज ब्लैक बियर्ड को जब रॉक्सी ज़ेबेक के बारे में पता है तो ऑब्वियसली यार उसको गॉड वैली से लेके सारी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब गॉड वैली वाला जो आइलैंड है उसको पूरा मिटा ही दिया गया है तो फिर ब्लैक बियर्ड क्या करेगा? देखो मुझे जहां तक लगता है वहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन इन्वॉल्व थे, तो भाई वो सेलेस्टियल ड्रैगन वहां पे कर क्या रहे थे, ये भी तो सवाल उठता है ना। प्लस वहां पे कुछ ऐसा हुआ था जिस बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बात नहीं करती, गार्प भी बात नहीं करता है। वहां पे हो सकता है सेलेस्टियल ड्रैगन ने कुछ ऐसा चीज रखा हो, कुछ ऐसा चीज छिपा के रखा हो जिसके बारे में वर्ल्ड को वो लोग नहीं बताना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये बात किसी और को पता चले वन पीस के अलावा। तो यहाँ पर एक और चीज निकल के आता है जिसके बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं कि किसी और को पता चले। पहला तो हो गया वन पीस, सेकंड मैरी जुआ का ट्रेजर, और इसके बारे में अच्छे से जानकारी किसको है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, डॉन की होते डोफ्लामिंगो। ये बंदा मतलब भाई कमीना पंथी में अगर किसी को डिग्री देना हो ना तो ये टॉप कर जाता। ये कैरेक्टर अभी के टाइम पे इंपल डाउन की जेल में सड़ रहा है, और हम सबको पता है अभी के टाइम पे पूरे मरीन्स का ध्यान, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट का ध्यान अलग अलग जगहों पे है। जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी के टाइम पे परेशान है लूफी को लेकर के, बिकॉज नीका डेविल फ्रूट अवेकन हो चुका है, साथ ही साथ लूफी के पास निको रॉबिन भी है, और जिसको भेजा था उसको पकड़ के लाने के लिए वो तो भाई सैंक्स का हाकी देख के डर के भाग गया, बोल रहा था लूफी का सर लाएगा। खैर उस बारे में क्या ही कहना, उसको तो आकाइनो देख लेगा। बात करता हूँ मरीन्स की, तो मरीन्स अभी के टाइम पे परेशान है कुछ लोगों को लेकर के, जैसे कि रेवोल्यूशनरी आर्मी, बिकॉज ये आई होली लैंड पे हमला किया, वो बात अलग है ना, उन लोगों का नुकसान हुआ ना इन लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ, वो लोग भी फायदे में रहे ये लोग भी फायदे में रहे। देखो चार्लोस को मारने का अटेम्प्ट हुआ था लेकिन चार्लोस मरा नहीं, तो एक तरह से फायदा या कह लो बच गया सेलेस्टियल ड्रैगन ही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी आर्मी का भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो लोग कुमा को बचाने में कामयाब हो गए। अब हाँ यहाँ पे नुकसान किसी का हुआ है तो वो हुआ अल्बास्टा वालों का, बिकॉज नाफ्तारी कोबरा मर गया। प्लस वॉलर सिस्टम बंद होने के बाद बगी जो है योंको बन गया। प्लस यार ये बंदे के अंदर आ चुके हैं क्रोकोडाइल और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हॉकाई। प्लस ये लोग जो है मरीन्स के ऊपर बाउंटी लगा रहे हैं, मतलब ये लोग मरीन्स के साथ पंगा लेने वाले हैं, ये लोग मरीन का शिकार करेंगे। और दो बंदे ऐसे हैं या कह लो दो बंदों की टीम ऐसी है जो लोग अब मरीन्स के पीछे पड़ेंगे। प्लस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक हमें ठीक से नहीं पता कि बाकी के वॉरलॉर्ड्स का क्या हो गया, वो लोग बचे हैं कि पकड़े गए हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो पूरा का पूरा मरीन है, जैसे आकाइनो ने कहा उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जवाब देगा और ये लोग उस पर हमला करेंगे, तो आकाइनो का अभी के टाइम पे पूरा ध्यान जो है ना इन लोगों के ऊपर रहेगा। तीन लोगों के ऊपर ध्यान हो सकता है, लूफी का क्रू के ऊपर, क्रॉस गिल्ड वालों के ऊपर और रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर। तो यहाँ पर एक बंदे के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, वो है डोफ्लामिंगो। वहां पर हो सकता है आकाइनो ज्यादा फोकस ना करे, तो हो सकता है ब्लैक बियर्ड अभी के टाइम पे जाए डोफ्लामिंगो को छुड़ा ले, बिकॉज हम सबको पता है ब्लैक बियर्ड पहले भी ये काम कर चुका है, इंपेल डाउन को उससे बेहतर और कोई बंदा नहीं जानता होगा, हो सकता है जाकर के डोफ्लामिंगो को अपने टीम में ले ले। अब देखो यार अगर ब्लैक बियर्ड और डोफ्लामिंगो एक टीम में आ जाते हैं भाई कमीने कैरेक्टर्स की पूरी टीम कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हो सकता है ब्लैक बियर्ड फिर से तिंगड़म लगाए और डोफ्लामिंगो अगर उसको बता देता है मैरिजुआ के ट्रेजर के बारे में तो फिर हो सकता है वो मैरिजुआ के ट्रेजर के पीछे भी चला जाए। वैसे तो ब्लैक बियर्ड को मैरिजुआ के ट्रेजर के बारे में पता होगा लेकिन उस ट्रेजर के अंदर क्या है, वो ट्रेजर कहाँ पे रखा हुआ है, ये बात तो डोफ्लामिंगो को ही ना पता होगा, तो हो सकता है वो डोफ्लामिंगो को छुड़ाएगा और फिर वो आगे की कार्रवाई करेगा। जरा तुम ध्यान देना, जो अपना आकागामी सैंक्स है वो पहले ब्लैक बियर्ड पे ध्यान देता था पर अभी के टाइम पे वो वन पीस पे ध्यान दे रहा, वो वन पीस को क्लेम करने की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि सैंक्स को ब्लैक बियर्ड के बारे में पता चल चुका है और ब्लैक बियर्ड अभी जो है डोफ्लामिंगो को छुड़ाएगा, वो मैरिजुआ के पीछे जाएगा, उस ट्रेजर के पीछे जाएगा, जिस वजह से सैंक्स ने भी सोचा अबे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का तकलीफ है खुद ही झेलो, मेरे को इसमें नहीं पड़ना है।
तो इसी वजह से साइंस ने भी अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लिया होगा। तो ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि अगर ब्लैक बियर्ड दूसरी चीजों के पीछे जाता तो जरूर साइंस उसके ऊपर फोकस करता, और अभी के टाइम पे ब्लैक बियर्ड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है ज्यादा चांसेस ये बने कि ब्लैक बियर्ड अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए, और ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी के टाइम पे ब्लैक बियर्ड पे जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, वो आने वाले टाइम पे उस पर ध्यान दे और उसकी बाउंड्री काफी ज्यादा हाई कर दे। प्लस हमें फ्यूचर में वो किस तरह से किसके खिलाफ भिड़ता है वो चीज मैं देखना चाहूंगा। क्या वो लूफी के साथ भिड़ता है, या फिर सैंक्स के साथ भिड़ता है, या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ भिड़ता है, वो तो मैं देखना चाहूंगा। वैसे देखो यार, वो रॉक्सटी ज़ैपेक को फॉलो करता है, मतलब वो पक्का सेलेस्टियल ड्रैगन के पीछे पड़ेगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट के पीछे पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है ही, अगर वो रॉक्सटी ज़ैपेक को अच्छे से फॉलो करता है तो। तो देखो, आज के वीडियो में मुझे बस यही चीज को लेकर के डिस्कस करना था। अब तुम सबका क्या मानना है यार, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। प्लस अगर तुम इस चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। प्लस यार इस वीडियो को लाइक भी कर दो अगर पसंद आया तो। यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।